अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिशिगन में फॉल सेमेस्टर बहुत खूबसूरत होता है और मौसम ऐसा होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत खुशगवार भी होता है। तो इसलिए फिर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज़ भी होती हैं। उन एक्टिविटीज़ में से तीन आज मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले तो है स्पार्टन मार्चिंग बैंड की प्रेपरेशन, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं तो मार्चिंग बैंड अपनी प्रैक्टिस करता है म्यूजिक के लिए और उनकी जो परफॉर्मेंसेज होती हैं उनके लिए तकरीबन 2 महीने उनकी ये प्रैक्टिस चलती रहती है, चाहे उन्होंने फुटबॉल गेम्स पे जाना हो या फिर बास्केटबॉल गेम्स पे जाना हो या होम कमिंग परेड हो, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। परेड भी एक इवेंट होता है जिसमें यूनिवर्सिटी के अलुमनाई और बहुत सारे लोग जो अपने आप को यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट करते हैं वो वापस कैंपस पर आते हैं और अपने मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, अपने ड्रेसेस पहनते हैं और अपने बिजनेसेस को भी एग्जिबिट करते हैं और बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए भी आते हैं। तो ये एक परेड होती है, उस सड़क पर दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं और देखते हैं उन सब अलुमनाई को और उनके कॉस्ट्यूम्स को और उनकी एग्जीबिशंस को। इसके अलावा एक फॉल कुकआउट भी होता है जो कि काउंसिल ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। उसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जो जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनको फ्री में उनको खाने को मिलता है और वो गेम्स वहाँ पर खेलते हैं और मुख्तलिफ दोस्तियाँ वहाँ पर बनाते हैं, और ऐसी दोस्तियाँ जो नए स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि अगले जो 4-5 साल उन्होंने PhD करनी होती है तो उसमें वो उनके लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स हमेशा काम आते हैं। कुछ फॉल के इवेंट्स, इसके अलावा भी काफी सारे इवेंट्स होते हैं, तकरीबन हर रोज एक इवेंट हो रहा होता है, तो मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगा। बल्कि अगली वीडियो में जो अपलोड करूंगा वो होगी हेलोवीन और के बारे में और पंपकिन फॉर्म के बारे में। तो आई विल सी यू गाइस लेटर, टेक केयर।